भारतीय जनता पार्टी महानगर की बैठक बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर 4 दिसंबर को दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित होने वाले निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन के संबंध में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में आर्य नगर की मंडल की बैठक की गई, जिसके संबंध में महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि आगामी 4 दिसंबर को दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित होने वाले निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन में कर्मचारी, अधिवक्ता, समाजसेवी, व्यापारी, शिक्षक, व्यापारी, रिटायर्ड कर्मचारी, चिकित्सक, अधिवक्ता व समाज का प्रबुद्ध वर्ग सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। प्रबुद्ध वर्ग के लोग अधिक से अधिक संख्या में निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए उपस्थित होंगे। इस अवसर पर महानगर महामंत्री देवी श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष शशिकांत सिंह, रणविजय शाही, जितेंद्र चौधरी जीतू, मंडल अध्यक्ष सिद्धांत घोष, संत स्वीकृत आनंद अग्रहरी, अष्टभुजा श्रीवास्तव, प्रशांत अनुपमा पांडे, मंत्री अजय श्रीवास्तव, ब्रजेश मणि मिश्रा, ओम प्रकाश शर्मा, डॉक्टर सुनील त्रिपाठी सहित महानगर पदाधिकारी व मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, इसके विषय में आज बैठक रखी गई है, जिसमें मंच पे हमारे बड़े भाई श्री राजेश गुप्ता जी आ चुके हैं। हम उनका तालियों के साथ महानगर के इसी कड़ी में हमारे महानगर के बड़े भाई श्री शशिकांत सिंह जी भी उपस्थित हैं। मंत्री श्री चतुर्भुज प्रसाद जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का निमंत्रण करते हैं माल्यार्पण के अशोक भैया। और संगठन की दृष्टि से इस मंडल के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के अति वरिष्ठ नेता श्री प्रेमनाथ शुक्ला जी, मंडल के महामंत्री श्री चतुर्भुज प्रसाद जी एवं बैठक का संचालन कर रहे मंडल के महामंत्री श्री प्रशांत गौड़ जी होने से पहले आप सभी ने एक वृत्त दिया है, देवेश जी और शशिकांत जी ने वृत्त लिया कि यह स्थानीय निकाय का जो चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी की दृष्टि से निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन 4 तारीख को महंत दिग्विजयनाथ पार्क में होना तय हुआ है और उसमें हम सबको श्रेष्ठ मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का मिलने वाला है। उसकी दृष्टि से हमारे अपने अपने वार्डों में हम सभी सूची बनाकर दिए हैं, जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग हैं, अधिवक्ता हैं, चिकित्सक हैं, शिक्षक हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, जिनका एक समाज में एक अन्य लोगों पे प्रभाव पड़ता हो, ऐसे प्रबुद्ध वर्ग की सूची आप सभी ने सभी वार्डों से बनाकर दिया, उनको निवेदन करके उस कार्यक्रम में हमको लेके आना। इसी की तैयारी की दृष्टि से महानगर की बैठक अभी एक हफ्ता पहले लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने लिया, उसमें सभी मंडल के अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी और महानगर के पदाधिकारी पार्षद गण आए थे। आगामी 4 दिसंबर को निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन गोरखपुर महानगर में आयोजित है, महंत दिग्विजयनाथ पार्क में, सर्किट हाउस के बगल में। उसी के निमित्त गोरखपुर महानगर के सभी 80 वार्डों के जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, चिकित्सक, अधिवक्ता, शिक्षक, रिटायर्ड कर्मचारी, व्यापारी वर्ग, समाज का प्रबुद्ध वर्ग,
सबको आमंत्रित किया जा रहा है। उसी की तैयारी की दृष्टि से अभी पिछले हफ्ते हम सबके नेता लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने महानगर की बैठक लिया था और आज उसी कड़ी में हम सभी कल से ही सभी मंडलों की बैठकें कर रहे हैं ताकि मंडल में अपने कार्यकर्ताओं को लगा के सूचना करा के उन सभी प्रबुद्ध जन को आमंत्रित किया जाए ताकि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम 4 तारीख को गोरखपुर महानगर में हो, उसमें पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा। निश्चित ही उस कार्यक्रम से गोरखपुर नगर निगम का चुनाव तय होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास करके 80 के 80 वार्डों में हम सभी चुनाव जीतने वाले हैं। एक बेहतर माहौल, शानदार माहौल गोरखपुर महानगर में बनने वाला है। उसी की तैयारी की दृष्टि से सभी मंडलों की बैठकें क्रमशः चल रही हैं।